हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, एजुकेशन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। रावी रिवर की बात कर रहे हैं, रावी नदी, इसको समझते हैं रावी रिवर को, ठीक है। तो ये जो रावी रिवर है, कहां से ओरिजिनेट होगी बताओ? रावी रिवर कहां से ओरिजिनेट होगी? आपने एक फेमस पास का नाम सुना होगा, रोहतांग पास। रोहतांग पास का नाम सुना होगा। तो ये जो रोहतांग पास है, ठीक है, यहां से रावी रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और अगर कभी भी भूल जाओ कि कहां से ओरिजिनेट है, तो आर से रोहतांग और आर से रावी रिवर, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर भी दो प्रोजेक्ट है, एक का नाम है थीन और दूसरे का नाम है चमेरा। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? थीन और चमेरा। तो ये जो थीन प्रोजेक्ट है, इसको रंजीत सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंजीत सागर प्रोजेक्ट। क्या हो गया? तो लिखो आप लोग फर्स्ट पॉइंट, रावी रिवर के बारे में इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश। हाँ, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। सेकंड पॉइंट, थीन एंड चमेरा प्रोजेक्ट्स लिख दिया ऊपर, देख लो आप। थीन एंड चमेरा प्रोजेक्ट्स आर ऑन रावी रिवर। थीन और चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, ठीक है। तो थीन और चमेरा कहां पर है? रावी नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर होगा व्यास रिवर। अब ये जो व्यास रिवर है, ये भी कहां से निकलती है? रोहतांग पास से। और रोहतांग पास में कहां से निकलती है? व्यास कुंड से। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। अब व्यास रिवर के बारे में एक बात समझो कि ये इंडिया में ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही रह जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलैंड रिवर। क्या कहते हैं? स्थलीय नदी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? स्थलीय नदी। आपको मैंने बताया था, जब मैंने डायग्राम बनाया था, तो व्यास रिवर कहां मिल रही थी? सतलुज में मिल रही थी, ठीक है। तो लिखो आप लोग, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्यास कुंड ऑफ रोहतांग पास। व्यास कुंड ऑफ रोहतांग पास। यह रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। इट इज एन इनलैंड रिवर। इनलैंड, यह एक स्थलीय नदी है। जैसे लूनी रिवर है ना राजस्थान में, वहीं से निकलती, वहीं रह जाती है। तो उसी तरीके से यह भी है व्यास रिवर। और व्यास रिवर पर क्या है? हैरी के बैराज है।
हरी के, हरी के बैराज। बैराज का मतलब होता है कि पानी को एक जगह रोक देना, क्या कर देना, रोक देना, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको खोल देंगे। ठीक है, डैम नहीं है ये, बस हम पानी को रोकने के लिए कर रहे हैं इसका यूज। ठीक है, लिखो हैरी के बैराज इज ऑन व्यास रिवर। हरी के बैराज व्यास नदी पर है। उसके बाद कौन सा बच गया, सतलुज। हेडिंग लिखो सतलुज रिवर, कि इनके वाटर का यूज हम लोग इरिगेशन में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी कर सकते हैं, बहुत सारे में, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं इनको। सतलुज कहां से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। कहां से, तिब्बत में कहां से, मानसरोवर झील में कहां से, राक्षस ताल से। कहां से, क्या नाम है, राक्षस ताल से। लिखो आप लोग, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल ऑफ मानसरोवर लेक, ऑफ मानसरोवर लेक इन तिब्बत। यह तिब्बत में, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। एक क्वेश्चन लिखो यहां पर आप लोग, एक एक प्रश्न लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती। ऑप्शन तो दिया ही नहीं मैंने, तो जस्ट आपसे, आपको मैं क्वेश्चन से अवेयर करा रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपने इंडस रिवर सिस्टम कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो गंगा रिवर सिस्टम। और जिन बच्चों का भी डाउट था ना, वो जमुना यमुना ये सब, वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आपका हेडिंग होगा इंडस गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली। ये गंगा रिवर है। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, सोन। ये जस्ट रेफरेंस के लिए डायग्राम है, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि घाघरा के बाद गंडक रिवर ही मिलेगी उससे। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बनाया कि अगर आप उधर से इधर चल रहे हो तो राइट हैंड साइड से कौन सी मिल रही है, यमुना कहाँ से मिल रही है, राइट हैंड साइड से, और ये रिवर कहाँ से मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से। ये क्लियर करने के लिए बनाया। अब देखो क्या है, इस जगह को बोलते हैं देव प्रयाग। कहां पर, ये उत्तराखंड में है। बनाऊ मत अभी, रुक जाओ। कहां पर है ये, तो उत्तराखंड में, मतलब देव प्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है, अलकनंदा और भागीरथी। और भागीरथी जो है
कहां से निकलती है? अब जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों रिवर देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब कंबाइंडली ये गंगा कहलाती है। ठीक है, तो गंगा कब बन रही हो? देवप्रयाग के बाद। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गंगा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो क्या बताओगे? पहली बात कि गंगा नदी को भागीरथी के फॉर्म में, मतलब गंगा जो रिवर है वो भागीरथी के फॉर्म में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? तो अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, क्योंकि ये भागीरथी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, उसके बाद जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिल जाती है देवप्रयाग में, तो क्या बन जाती है? वो गंगा। उसके बाद यमुना जो है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये है प्रयागराज। क्या ये? तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि यमुना जो नदी है गंगा में कहां पर मिलती है, तो कहां पर मिल रही है? प्रयागराज। अब क्या है, पहले क्या था? इलाहाबाद था। अब ये जो यमुना रिवर है, जो इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ मैं उन्हीं का ओरिजिनेशन लिखूंगा, बाकी का नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्या है ये? यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है? तो यमुनोत्री से यमुना ओरिजिनेट होती है। उसके बाद क्या है ये? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी सहायक नदी। कि अगर ये पूछे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? यमुना है। और यमुना कौन से साइड से मिल रही है? सोन रिवर भी कहां से मिल रही है? राइट हैंड साइड से। आगे देखो, ये कौन सी है? घाघरा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी। ये लॉन्गेस्ट का मतलब है लेंथ में, और लार्जेस्ट का मतलब है वाटर का जो वॉल्यूम है ना, सबसे ज्यादा किसका है? घाघरा का है। उसके बाद ये जो कोसी रिवर है, इसे क्या कहते हैं? सौरव ऑफ बिहार, बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में ये क्या ले आती है? बाढ़। और बाढ़ ले आएगी तो फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद। दामोदर क्या है? सौरव ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। ठीक है, अब ये जो गंगा रिवर है आगे बह रही है, उसके बाद ये पहुंची वेस्ट बंगाल में। तो जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक है भागीरथी, किसमें? भागीरथी में, और दूसरी हुगली। तो कोलकाता, कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये रिवर आगे गई, ये पहुंची बांग्लादेश में। सुनना ध्यान से, जब ये बांग्लादेश में एंटर हुई, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। और फाइनली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, वो जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, गंगा जो रिवर है वो किसके साथ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र के साथ। तो कौन से नाम से? मेघना के नाम से वे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इतना डायग्राम बना लो। पहला पॉइंट, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकेंड पॉइंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। इट ओरिजिनेट्स
फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर विद भागीरथी नेम, भागीरथी के रूप में यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेन अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एट देवप्रयाग देन कंबाइनली इट इज नोन एज गंगा। जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तब संयुक्त रूप से वह गंगा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इट एंटर्स इन वेस्ट बंगाल It is divided into water stream. Bhagirathi and Hugli. जब यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो दो जलधाराओं भागीरथी और हुगली के रूप में बढ़ जाती है। अब ये देखो, भागीरथी रिवर क्या होती है, आगे चली जाती है, ठीक है, और यही फिर कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में, ठीक है। तो लिखो आप लोग, व्हेन इट एंटर्स इन बांग्लादेश इट इज नोन एज पद्मा, इट इज नोन एज पद्मा एंड फाइनली मेक माउथ इन वे ऑफ बंगाल विद मेघना नेम जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2017 गंगा एंड यमुना रिवर वर डिक्लेयर्ड एज लाइव ह्यूमन बाय उत्तराखंड हाई कोर्ट। 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल वाटरवेज विच कनेक्ट प्रयागराज टू हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया इज ऑन
गंगा रिवर, जिस तरीके से नेशनल हाईवेज होते हैं ना उसी तरीके से वाटरवेज भी हैं। तो नेशनल वाटरवेज वन जो है तो ये कौन से रिवर पर है? गंगा नदी पर। और लाइव ह्यूमन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मानव का दर्जा दे दिया गया है, कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उसको सजा मिलती है ना, तो इसी तरीके से अगर कोई गंगा को स्वच्छ मतलब पॉल्यूट करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। ठीक है, 2017 में डिक्लेयर हुआ ये। तो मैंने करंट अफेयर भी इसके साथ लिंक कर दिया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा था कि बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा मैं, इधर वाली जो थी ठीक है नीचे वाला लिखवा दिया मैंने, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करवा दी। और जमुना का नाम अभी तक नहीं आया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जमुना क्यों नहीं आया, क्या मैंने कहा कि यमुना ही जमुना है? लिखो राष्ट्रीय जलमार्ग एक, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, गंगा नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसका डायग्राम थोड़ा सा बनाना टफ है, तो बनाना चाहो तो बना सकते हो वरना डायरेक्ट मैं लिखवा दूंगा सारे। ठीक है, ये जो रिवर है तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। कहां से? मानसरोवर झील से तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसे तिब्बत में क्या बोला जाता है? तसांगपो, नहीं सांगपो, ये टी साइलेंट है, सांगपो। तिब्बत में क्या बोला जा रहा है? सांगपो। उसके बाद ये रिवर जो है ऐसे बहती हुई यहां पर जब एंटर होती है तो यहां पर एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस अरुणाचल प्रदेश में इसे बोला जाता है दिहांग और सिकियांग। अभी जस्ट मैं नाम बता रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर क्या क्या बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोल रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सिकियांग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां पर एक स्टेट है इंडिया का, असम। ठीक है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही माजुली आइलैंड है। कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड है क्या? हाँ, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो कौन बना रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पर? असम में। कौन से रिवर पर? ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आगे जब जाएगा तो यहां पर है बांग्लादेश। क्या है? तो जब ये बांग्लादेश में एंटर होगी तब इसे जमुना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जब ये रिवर जो है बांग्लादेश में एंटर होगी तब इसे किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है मेघना बन जाएगी, और मेघना बनने के बाद क्या होगा कि लार्जेस्ट डेल्टा बनेगा। पूरी दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको आप लोग सुंदरवन कहते हो, वो बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा क्या थी? लॉन्गेस्ट थी, ये क्या है? लार्जेस्ट है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। और लंबी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी बोला है, लार्जेस्ट, घाघरा। इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम इट इज नोन एज दिहांग और सिकियांग एंड ब्रह्मपुत्र रिस्पेक्टिवली। इसे अरुणाचल प्रदेश में
इसे अरुणाचल प्रदेश और असम में क्रमशः दिहांग और सिक्यांग, दिहांग या सिक्यांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक एंड इन तिब्बत इट इज नोन एज सांगपो। यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, माजुली आइलैंड इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल वाटरवेज टू विच कनेक्ट्स सदिया टू धुबरी। विच कनेक्ट सदिया टू धुबरी। इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। राष्ट्रीय जलमार्ग दो जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। उसके बाद अगला लिख लो कि इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग दो जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पूरे बांग्लादेश में नहीं, जब एंटर होती है ना बांग्लादेश में तब। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदरवन इन वे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इन वे ऑफ बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। अब सुंदरवन समझ लो, सुंदरवन उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर सुंदरी ट्री पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरी ट्री पाया जाता है। और बेसिकली मैनग्रोव सुना होगा आपने, क्या होता है ये? फॉरेस्ट है ना ये? होता क्या है, क्यों फेमस है ये? व्हाइट टाइगर होते हैं, ठीक है। देखो समझो, समझ लो, होगा ही बिल्कुल, क्योंकि पानी वहां पे ज्यादा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मैनग्रोव होते हैं ना, वो मिट्टी को ना बहुत ज्यादा पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो उससे काफी बेनिफिट्स मिलता है क्योंकि क्रॉप वगैरह को लेके। और मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होता है यहां पर ब्रैकिश प्लस फ्रेश दोनों वाटर में हो सकता है। जहां पर मैनग्रोव होंगे वहां पर ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर है, तो दोनों, जहां पर भी मैनग्रोव है वहां पर ये वाटर मिलेगा। तो ये आता है क्वेश्चन कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में किस टाइप का वाटर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद पता है डेल्टा बना दिया इसने, और किस नाम से बनाएगा डेल्टा? नाम है उस डेल्टा का,
मेघना नदी बनेगी ना ये गंगा के साथ मिलने के बाद, तो मैं गंगा में बता चुका हूँ इसलिए यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो हिमालयन रिवर था वो खत्म। उसके बाद नेक्स्ट जो चालू होगा आपका वो होगा पेनिनसुलर रिवर,